अभी मैं पहाड़ी का पूरा टॉप हिल में हूँ, यहाँ से दिख पाएंगे। अभी मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ टॉप हिल पर, जो कि बहुत सारा गुफाएं हैं वहाँ, और आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों वहाँ बहुत ही बेहतरीन गुफाएं हैं, जो कि मेरे आगे आगे एक लड़की आया था, और ये देखिए बहुत सारा यहाँ पर्यटक है मेरे अलावा। दोस्तों उदयगिरी में फैमिली का साथ भी आ सकते हैं और दोस्तों को साथ भी लेके आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेस है ये घूमने के लिए। तो दोस्तों यहाँ जो गुफा बनाया गया है वो ख़ास तौर पर बनाया गया है, टॉप हिल से आप लोग देख पाएंगे खंडगिरी का मंदिर, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगेगा देखने के लिए और फ़ोटो भी शूट करने के लिए। यहाँ एक लड़की फ़ोटो कैप्चर कर रहा है, यहाँ बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यहाँ भी कुछ बना रहा था लेकिन कुछ कारण का बजट पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है, ताकि नंदनकानन ब्लॉग का भी आप लोग देख पाएंगे। ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर देख लीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, जान सकेंगे ये उदयगिरी के बारे में। दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिखेगा आप लोगों को, जो कि बीजू पटनायक एयरपोर्ट, यहाँ से प्लेन भी बहुत अच्छा तरह से दिख पाएंगे आप लोग। आप लोग आइए, घूम के जाइए, और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और मुझे कमेंट कीजिए क्या कमी रह गया इस वीडियो में, इतना ही सपोर्ट करो मुझे। कहा जाता है दूर का पहाड़ी बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग भी हैं। अभी शाम का कितना बज गया, 4 बज गया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। दोस्तों मैं अभी पहुँच चुका हूँ उदयगिरी का सबसे बड़ा गुम्फा के पास, जो कि हाथी गुम्फा कहा जाता है। दोस्तों उदयगिरी में जितना भी गुम्फा है उनमें से सबसे बड़ा गुम्फा हाथी गुम्फा कहा जाता है। ये था हाथी गुम्फा, सांप जैसा दिख रहा है, इसलिए ये इसको सर्प गुम्फा कहते हैं। ये देखिए ये लिखा भी हुआ है ये सर्प गुम्फा। अभी ऊपर चल के देखेंगे। यहाँ बहुत बहुत ही गुम्फाएं है। ये देखिए ये शेर का गुम्फा है, शेर जैसा दिख रहा है, ये इसलिए इसको कहते हैं बाघ गुम्फा। इसको ये देखिए जोम्बेश्वर गुम्फा है। जाम्बवान जैसा है ना, इसीलिए इसको जाम्बेवर गुम्फा कहते हैं। इसका सब हर एक ये बनाया गया है। अभी मैं पहाड़ी का पूरा टॉप हिल में हूँ, यहाँ से दिख पाएंगे आप लोग पूरा नीचे की तरफ से देख लीजिए। यहाँ मेरा पीछे है ये खंडगिरी का मंदिर है, ये यहाँ बहुत ही ऊंचाई है, ये दिखेंगे दिख रहा है आप लोग को। यहाँ से खंडगिरी का पहाड़ी है, वो गुम्फाएं हैं, यहाँ से देखते हैं, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे।